Oh my god! Oh my god! अरे 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 कुदरत का कहर भी जरूरी था साहब, हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था। दोस्तों, कुदरत जब अपने पर आती है तो कहर भरपा देती है। हवा में उड़ता ये हाथी और बादल के फटने का ये वीडियो उसके गुस्से की ही बानगी है। वैसे तो जब कुदरत को गुस्सा आता है तो वो किसी को कोई मौका नहीं देती। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही वो दुर्लभ वीडियोस जिन्हें कैमरे में कैद करने के लिए 1,00,000 मौकों की जरूरत पड़ती है। हम दावा करते हैं कि कुदरत के ये अनोखे वीडियोस देखकर आपका मुंह खुला ही रह जाएगा। तो हो जाइए तैयार एक अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज से पहले आपने बादल फटने की सिर्फ बातें ही सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको लाइव बादल फटते हुए दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो है मिल स्टेट झील के इलाके का, जहां पानी से भरा एक बादल पहाड़ों से टकराकर फूट जाता है, जिसके बाद महज 12 सेकंड में उन बादलों से लाखों गैलन पानी नीचे गिरने लगता है। ये वीडियो इतना खौफनाक था कि इसे बाद में जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1,000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। बादल फटते हुए तो आपने देख लिया, लेकिन बादल फटने के बाद क्या आलम होता है, यह जानना है तो ये अगला वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो किस देश का है यह तो हमें नहीं पता चला, लेकिन हाँ, हमारी रिसर्च टीम ने यह पता लगाने में जरूर कामयाबी हासिल की कि यह वीडियो विदेश के किसी फैक्ट्री के बाहर का है। दरअसल इस फैक्ट्री के बाहर एक बादल फट गया, जिसके बाद इस खौफनाक मंजर को फैक्ट्री के अंदर खड़े एक वर्कर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इसी के साथ ये वीडियो बन गया अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय। आप देख सकते हैं कि बाहर कितना कोहराम मचा है, लेकिन अंदर रत्ती भर भी हताहत नहीं हुई। जाहिर है इस वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आपका इस दुर्लभ वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओह माय गॉड, आइए बढ़ते हैं एक और हैरान कर देने वाले मंजर की तरफ। ये वीडियो है अमेरिका राज्य के ओहियो के सिनसिनाटी शहर का, जहां देखते ही देखते घरों के ऊपर घनघोर बादल छा जाते हैं। जैसे ही यहाँ रहने वाले लोगों की नजर इन बादलों पर पड़ती है, उनकी घिग्गियां बनने लगती है, क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई सुनामी आने वाली हो। इसके बाद मौसम विभाग के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई सुनामी नहीं बल्कि सामान्य बादल ही हैं। कई बार तेज गर्जन के साथ बारिश होने पर सुनामी की लहरों की तरह घुमावदार बादल बनने लगते हैं। अधिकारियों की यह बात सुनकर लोगों की सांस में सांस आई। और इसी तरह एक और रेयर वीडियो में बादलों का एक सर्कल जैसा दिखाई देता है। इस दुर्लभ नजारे को जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बरसात के मौसम में आसमान पर तरह तरह के आकार और रंग रूप वाले बादल हम सभी ने देखे होंगे, पर अमेरिका के टेनिसी स्टेट में बादलों की एक सुरंग जैसी नजर आई जो किसी भी एलियन प्लैनेट के रास्ते जैसी लग रही थी। बादलों के इस अजीबोगरीब रूप ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। मीलों दूर तक क्षितिज को छूती बादलों की सुरंग को देखकर लोगों को डरावने एहसास हो रहे थे। दरअसल सिलेंडर या सुरंग के आकार के इन बादलों को रोल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कई बार तूफान आने से पहले उठी गर्म हवा ठंडी होने के बाद बादलों को ऐसा हैरतअंगेज आकार दे देती है। अब आपको एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना का वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो साल 2016 में चीन में आए एक रेतीले तूफान का है, जिसे एक ड्राइवर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। ये पवंडर इतना खौफनाक था कि इसने सारे आसमान को अपने आगोश में ले लिया और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद इसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि डर के मारे लोग अपनी कारों में बैठकर वहां से निकलने लगे। ये दृश्य
हॉलीवुड की किसी फिल्म से कम नहीं था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के देवरी बांध का ये वीडियो देखकर आप भी ठिठक जाएंगे, जहां बांध का पानी अचानक आसमान की तरफ उठते हुए दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि आसमान से एक पाइप नुमा चीज बांध के पानी को ऊपर की तरफ खींच रही है। गांव वालों ने जब इस दुर्लभ दृश्य को देखा तो उनके होश ही फाख्ता हो गए। बादल बांध से पानी खींच रहा है, ऐसी ऐसी बातें होने लगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब अफवाहें थी। दरअसल ये दुर्लभ प्राकृतिक घटना थी जिसे फनल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। इसमें बादल एक शंकु का आकार धरकर जमीन की तरफ फैलने लगता है। जब यह घटना पानी की सतह पर होती है तो इसे वाटर स्पाउट कहा जाता है। आमतौर पर ऐसी घटनाएं रेयरेस्ट देन रेयर होती है, यानी इन घटनाओं की घटित होने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन कुछ होशियार लोग उसे अपने कैमरे में कैद कर ही लेते हैं। वैसे इस घटना को और भी इजी लैंग्वेज में समझना हो तो हाथी के हवा में उड़ने का ये वीडियो देख लीजिए। अरे अरे अरे। बाप रे बाप, हाथी जैसा भारी भरकम जानवर और ऐसे किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ रहा है। अक्सर रेतीले इलाकों में रेत के छोटे छोटे बवंडर उड़ते रहते हैं। ये बवंडर इतने तेज होते हैं कि उसकी चपेट में जो भी आए वो गोल गोल घूमने लगती है। यह हाथी भी बवंडर के इसी गुस्से का शिकार हुआ है। इसे यूं हवा में उड़ते देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि इस वीडियो का सच कुछ और ही है। दरअसल ये प्लास्टिक की पतली पन्नी का बना हुआ हाथी है जिसमें हवा भरकर मेलों में बेचा जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये नकली हाथी है। दक्षिण आइसलैंड की हॉकडलोर वैली का यह फाउंटेन 100% कुदरती है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत फवारे के नाम से भी जाना जाता है। ये फाउंटेन हर 10 मिनट के बाद एक्टिव हो जाता है और जमीन से इतने प्रेशर के साथ फूटता है कि तकरीबन 70 मीटर की ऊंचाई को छू लेता है। नेचर का ये नजारा इतना नाइस लगता है कि इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और इस फाउंटेन के साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। चलिए, पानी की खूब बातें हो गई, आइए अब जरा आग का खेल देखा जाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कछार गांव में एक हैडपंप पानी की जगह आग उगलते देखा गया। जहां एक तरफ गांव वालों में दहशत का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ इस अनोखे हैडपंप को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पानी देने वाला हैंडपंप अचानक आग क्यों उगलने लगा। इसकी वजह खोजने लगे तो मालूम चला कि ऐसा मीथेन गैस की वजह से होता है। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इस वीडियो का लुफ्त उठाइए। चीन के हेनान प्रोविंस के हाइको शहर में 21 अगस्त 2021 को आसमान में एक अभूतपूर्व नजारा दिखाई दिया। इस दिन अचानक आसमान सतरंगी रोशनी से सराबोर होने लगा और बादलों के ऊपर एक अजीबोगरीब इंद्रधनुष दिखाई दिया। इस तरह का गोलाकार रेनबो आज तक किसी ने नहीं देखा था। बाद में एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसी घटनाएं एक खास किस्म के बादलों की वजह से होती है, जिन्हें इरिडिसेंट पीलियस क्लाउड कहा जाता है। ये बादल जब सूरज या चांद के पास आते हैं तो ऐसे दुर्लभ इंद्रधनुष बनाते हैं। इसी तरह कुछ समय पहले ही भारत के उत्तराखंड में लोगों ने सूर्य के चारों तरफ एक सर्कल को नोटिस किया था, जिसने इंडियन मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसी तरह सितंबर 2022 में भी भारत के कई राज्यों में रात को आसमान में कुछ लाइटें नजर आई थी, जो किसी ट्रेन की तरह एक ही रफ्तार में चलती दिखाई दे रही थी। इस घटना को देश के कई शहरों में देखा गया। तेजी से भागती इन लाइट्स को देखकर लोग हैरत में पड़ गए और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। किसी ने इसे UFO बताया तो किसी ने दुश्मन देश का खुफिया प्लेन। लेकिन बाद में पता चला कि यह स्पेस एक्ट स्टारलिंक कंपनी के सैटेलाइट्स थे, जिन्हें कुछ समय पहले स्पेस में छोड़ा गया था। हिमाचल प्रदेश में एक बार कुदरत अचानक इतनी क्रोधित हुई कि बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ सड़क की तरफ बहने लगे। इन विशालकाय पहाड़ों को अपनी तरफ बढ़ते देख हाईवे पर खड़े लोग हक्के बक्के रह गए। ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा हिल जाए, जिसके बाद लोग जान बचाकर भागने लगे। जो खुशकिस्मत थे वो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी कुदरत ने एक ट्रैवलर को अपने आगोश में ले लिया। इसी तरह अलास्का के ग्लेशियर में जॉस बॉस्टियर और एंड्रयू हूपर नाम के दो दोस्त कुदरत को करीब से निहारने गए थे। ये दोनों शख्स ग्लेशियर के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक ग्लेशियर का एक विशालकाय टुकड़ा टूट गया, जिसके बाद दोनों अपनी बोट को अपोजिट डायरेक्शन में चलाने लगे। बाद में इन्होंने जब इस हादसे की रिकॉर्डिंग देखी तो दोनों बहुत खुश हुए।
क्योंकि ग्लेशियर के टूटने का ये अद्भुत वीडियो उन्होंने कैमरे में कैद कर लिया था। अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे दिल थाम कर देखिएगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के तामराव तहसील में नेशनल हाईवे 707 पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिरने लगा। देखते ही देखते वो हिस्सा पहाड़ से अलग हो गया, जिसमें सड़क का रास्ता भी शामिल था। इस घटना के बाद सैकड़ों लोग रास्ते में फंसे रह गए। न तो इधर के लोग उधर जा सकते थे और न ही उधर के लोग इधर। अब जरा रेत के टीलों के इन खौफनाक वीडियो पर भी गौर फरमाइए, कैसे ये रेत की खुदाई करने पहुंचे ट्रक को अपनी आगोश में समेट लेता है। वैसे कुदरत जब नाराज होती है तो किसी को भी नहीं छोड़ती। गर्मियों के मौसम में ऑस्ट्रेलिया में अक्सर अपने आप कुदरती आग लगने लगती है, लेकिन साल 2019 में यहाँ जो आग लगी थी उसे सदी की सबसे विनाशकारी आग कहा गया, क्योंकि इस बार कुदरत ने ऐसा क्रूर रूप दिखाया था कि अमूमन पूरा ऑस्ट्रेलिया उसकी आगोश में आ गया था। ये आग इतनी भयंकर थी कि ऊंची ऊंची लपटें गूगल अर्थ पर भी दिखाई देने लगी थी। मीलों ऊंचा पसरा धुआं शहरों की आबो हवा में घुल गया था, जिससे कई और खतरे खड़े हो गए। मेलबर्न और सिडनी के कई घरों की हालत तो तंदूर में भुनी रोटी की तरह हो गई थी। ये एक अभूतपूर्व घटना का एक अभूतपूर्व वीडियो था। ये वीडियो अमेरिका के लुइसियाना का है, जिसमें ये पेड़ होले होले डूबते नजर आ रहे हैं। देखते ही ये पेड़ पानी में समाते चले गए। इसी के साथ पानी में भी तेजी से हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पानी भी जमीन में कहीं जा रहा है। ऐसा इस जमीन में एक बड़ा सिंक होल बनने की वजह से हुआ था। दरअसल साल 2012 में यहाँ के बेवकॉन के पास एक सॉल्ट डॉम ढह गया था, जिसके बाद यहाँ एक बड़ा सिंक होल बन गया। धीरे धीरे ये इतना बढ़ने लगा कि पूरे शहर को ही खाली कराना पड़ गया था। यह सिंक होल लगभग 750 फीट गहरा हो चुका है और सैकड़ों एकड़ जमीन में फैल चुका है। बढ़ते हुए सिंक होल के अभी भी रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। भारत में भी सिंक होल की एक घटना का यह वीडियो खूब वायरल हुआ था, जहां मुंबई में भी बारिश के बाद घाटकोपर इलाके में देखते ही देखते एक कार गड्ढे में समाकर जलमग्न हो गई। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त कार में कोई नहीं था, नहीं तो उसे भी धरती में समाने से कोई नहीं रोक सकता था। बताया गया कि यहाँ पहले कोई कुआं था, जिसे बाद में कंक्रीट से भर दिया गया, लेकिन जैसे ही तेज बारिश आई ये कंक्रीट धंस गई और जिसमें ये सिंक होल बन गया। भारत की तो छोड़िए, विदेश में भी ऐसे मंजर कई बार देखने को मिल जाते हैं। आपने ओलों की बारिश तो कई बार देखी होगी, लेकिन टेनिस बॉल जितने बड़े ओले पहली बार गिरते देखे होंगे। अमेरिका के साउथ कैरोलिना के अयनूर में किसी ने प्रकृति के इस अनदेखे नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड किया था। इसे देखकर लग रहा है मानो कुदरत किसी बात पर नाराज होकर बर्फ के बड़े बड़े गोले बनाकर फेंक रही है। पेश है कुदरत के कोहराम का एक और अनसीन वीडियो। आसमान में बिजली की एक तेज गड़गड़ाहट होती है, चारों तरफ बिजली की तरंगे ही तरंगे दिखाई पड़ती है, जो इकट्ठी होकर सऊदी अरब के मक्का मुकरमा में स्थित ऐतिहासिक और खूबसूरत क्लॉक टावर पे गिरती है। एक जोर की कड़कड़ाहट होती है और पूरा शहर रोशनी से दमक उठता है। वाकई कुदरत का ये रौद्र रूप है, रूह कंपा देने वाला। इस वीडियो में आकाशीय बिजली एक पेड़ पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। गिरने के बाद बिजली उस पेड़ को चीरते हुए धरती में समा जाती है, जिसके बाद पेड़ का जो हश्र होता है वो बयां करने लायक नहीं। अब जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर आप भी कह देंगे कि पेड़ भी सांस लेते हैं। कुदरत की बड़ी घटनाओं में से एक है ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी के फूटते समय लावा का तापमान करीब 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तापमान इतना गर्म होता है कि आसपास की मौजूद सभी चीजों को राख के ढेर में तब्दील कर सकता है। ऐसे में कोई उसकी फोटोग्राफी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन हम आप सभी व्यूवर्स के लिए लाए हैं वो दुर्लभ वीडियोस जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो में ज्वालामुखी फूटने के सीन को ड्रोन कैमरों ने कैप्चर किया है। इसमें आप दिल दहलाने वाला ज्वालामुखी के फूटने का टॉप व्यू देख सकते हैं, जिसमें खोलता हुआ लावा ज्वालामुखी को चीर कर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। वॉल्केनो के फटने के बाद उसकी लावा के बहने का वीडियो तो और भी खौफनाक है।
ऐसा लगता है मानो तेज धार में कोई आग का दरिया बह रहा हो। इस सुर्ख लाल रंग को देखकर कोई भी सिहर जाए। ये दुर्लभ वीडियो हवाई के बिग आइलैंड में मौजूद दुनिया के सबसे एक्टिव वॉल्केनो का लावा है। माउंट किलाउआ में अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है और धमाके के साथ वहां धधकता हुआ लावा निकलता है और इसी तरह आग की एक नदी बहने लगती है। कजाकिस्तान में यह हिरण प्रकृति के प्रकोप का शिकार हो गया, जहां ठंड के मारे यह हिरण चलते चलते ही सड़क पर ही जम गया। कुदरत के इस कहर को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए, वो तो भला हो यहां से गुजर रहे इस शख्स का जिसने बर्फ में जमे इस हिरण को देख लिया। इस शख्स को देखकर हिरण ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो वहां से हिल तक नहीं पाया। आखिरकार फिर इस शख्स ने हिरण के मुंह और शरीर पर जमी बर्फ को हटाकर उसे कुदरत के कहर से निजात दिलाई। ये थे कुदरत के वो नया वीडियोस जिन्हें कैमरे में कैद करने के लिए 1,00,000 मौकों की जरूरत पड़ती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।